हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विज्ञान की पाठ योजना, और डिटेल में यहाँ पे एक विस्तृत पाठ योजना आप लोगों को दिखाई जाएगी। और ये जो पाठ योजना है वो कक्षा 7 के लिए है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे, आप लोगों को लाभ मिले इस वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, यहाँ लिखा गया दैनिक पाठ योजना। जो भी लिखना है आपके कॉलेज वाले, हो सकता है दैनिक पाठ योजना लिखने के लिए गए हैं या फिर पाठ योजना संख्या लिखने के लिए गए हैं, तो इसके सामने बस आपको नंबरिंग कर देनी है। जैसे एक है तो एक कर दीजिए, दो है तो दो कर दीजिए, तीन है तो तीन कर दीजिए। जो भी पाठ योजना संख्या उसको लिख दीजिए। उसके बाद दिनांक, देखिए यहाँ पर दिनांक लिखा गया है, यानी कि डेट लिखना है, जिससे ये पता चलता है कौन सी पाठ योजना आपने किस डेट में पढ़ाई है। कक्षा 7वीं है। कालांश, यहाँ पे आपका जो भी कालांश होगा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, काफ़ी कॉलेजेस में कालांश को ही चक्र कहते हैं, तो दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा, सेम चीज़ें हैं। इसका मतलब होता है पीरियड, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट लिखा है यानी फर्स्ट पीरियड में आप जाएंगे पढ़ाने। सेकंड लिखा है तो सेकंड पीरियड, जिस पीरियड में आप जाएंगे उसको नंबरिंग यहाँ पे कर देंगे। विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। समय 40 मिनट का है, 35 मिनट का, जो भी आपके कॉलेज वाले दें वो लिखिएगा। विषय यहाँ पर आपको विज्ञान लिखना है, ध्यान दीजिएगा, साइंस विज्ञान विषय है आज का, ठीक। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिए, आज का जो हमारा प्रकरण है वो है विद्युत धारा के प्रभाव। इतना लिखने के बाद आपको आपका उद्देश्य लिखना होता है। ये आपका जो उद्देश्य है वो है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य एक तरफ लिख लीजिए और दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इसमें पहला पॉइंट देखिए लिखा गया ज्ञानात्मक उद्देश्य। पहला पॉइंट इसमें है विद्युत धारा, छात्र विद्युत धारा के प्रभाव के बारे में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा प्रश्न यहाँ पे पॉइंट है, छात्र विद्युत धारा के प्रभाव के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अगली हेडिंग है ज्ञानोपयोग। इसमें देखिए पहला पॉइंट लिखा गया, छात्र विद्युत धारा के प्रभाव से संबंधित ज्ञान का स्थानांतरण कर सकेंगे। और सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, छात्र विद्युत धारा के प्रभाव के ज्ञान का अपने भावी जीवन में उपयोग कर सकेंगे। तीसरी हेडिंग है अवबोध। इसमें पहला पॉइंट लिखा गया, छात्र विद्युत धारा के प्रभाव की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है, छात्र विद्युत धारा के प्रभाव के बारे में स्पष्टीकरण कर सकेंगे। चौथा पॉइंट है यहाँ पर अभिरुचि। इसमें पहला पॉइंट है, छात्र विद्युत धारा के प्रभाव से संबंधित पत्र पत्रिकाएं पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। दूसरा पॉइंट है, छात्र विद्युत धारा के प्रभाव से संबंधित लेख पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। पांचवा पॉइंट है इसमें हेडिंग अभिवृत्त। इसमें पहला पॉइंट है, छात्र विद्युत धारा के प्रभाव से संबंधित सकारात्मक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। और लास्ट पॉइंट है इसमें विशिष्ट उद्देश्य में कौशल। इसमें देखिए लिखा गया, छात्र विद्युत धारा के प्रभाव से संबंधित चार्ट और मॉडल बना सकेंगे। अगली हेडिंग आती है अब सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में देखिए यहाँ लिखा गया, श्यामपट, चौक, डस्टर, लपेट फलक, जो आप रोलिंग बोर्ड ले जाते हैं, साथ में संकेतक ले जाते हैं, छड़ी नुमा जो होती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत लिखी जाएंगी। शिक्षण विधि या प्रविधि की बात की जाए तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख लीजिएगा इसको, और व्याख्यान विधि है, ठीक। अगली हेडिंग पूर्व ज्ञान है। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया, छात्र विद्युत धारा के प्रभाव के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दो कॉलम में डिवाइड किया गया, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। तो यहाँ पे छात्र अध्यापक सही से लिख लीजिएगा, इस तरीके से लिखा नहीं जाएगा, छात्र अध्यापक नहीं होता, छात्र अध्यापक होता है, मिला के लिख लीजिएगा। और इसमें देखिए सबसे पहले आप प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। पहला प्रश्न है यहाँ पे, घरों में प्रकाश हेतु किस युक्ति का उपयोग करते हैं। तो बच्चे बोलेंगे बल्ब का, CFL का, LED का, ये सारी चीज़ें बोल सकते हैं बच्चे। उसमें से आप बल्ब उठा लीजिए, बल्ब तो बोलना ही बोलना है बच्चों को। बल्ब किसके द्वारा जलता है, तो बच्चे बोलेंगे विद्युत धारा के द्वारा जलता है। तीसरा प्रश्न फिर है, बल्ब द्वारा विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो बच्चे बोलेंगे प्रकाश ऊर्जा में। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। अब यहाँ पे चौथे प्रश्न में यहाँ पे प्रकाश पहले लिखिए। यहाँ पे देखिए जैसे लिखा गया अधिक देर तक, तो इसमें लिख लीजिए अधिक देर तक प्रकाश उपयोग लेने पर बल्ब पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रश्न का उत्तर है उससे यहाँ पे प्रश्न बनाना होता है ना, तो प्रकाश का यूज कर लीजिए। अधिक देर तक प्रकाश उपयोग लेने पर बल्ब का पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बच्चे बोलेंगे बल्ब गर्म हो जाता है। अब पांचवा प्रश्न बोल दीजिए बच्चों के सामने, बल्ब का गर्म होना विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव है, बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे समस्यात्मक प्रश्नों का अपना उद्देश्य कथन बोलिए। अब देखिए उद्देश्य कथन यहाँ है, आज हम विद्युत धारा के प्रभाव के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि वो क्या पढ़ने वाले हैं, किस चैप्टर को, अब उस चैप्टर का पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया प्रस्तुतीकरण। प्रस्तुतीकरण मतलब उस चैप्टर को आप प्रस्तुत कर सकते हैं। इसको देखिए चार कॉलम में डिवाइड किया गया है, अध्यापन बिंदु, इसी को ही शिक्षण बिंदु कहते हैं, छात्र अध्यापक या फिर छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रियाएँ, सैंपल सारांश और सहायक सामग्री। विकासात्मक प्रश्न पहले पूछिए, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रभाव को किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है, बच्चे बोलेंगे कुंजी लगाकर। दूसरा प्रश्न है, घरों में कुंजी के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है, बच्चे बोलेंगे स्विच का। अगला प्रश्न है,
अधिक देर तक विद्युत धारा प्रभावित होने पर क्या होता है? बच्चे बोलेंगे स्विच गर्म हो जाता है। देखते होंगे आप घरों में स्विच बहुत देर तक ऑन है तो हल्का हल्का हीट हो जाता है। चौथा प्रश्न है, स्विच गर्म होना विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव है? बच्चे निरुत्तर हो जाएंगे, बच्चे उत्तर नहीं दे पाएंगे। अब इसके बारे में आप बच्चों को बताएंगे विद्युत धारा के उसमें प्रभाव। छात्राध्यापक कर यहाँ पे कथन में देखिए लिखा गया, जब किसी सुचालक तार से विद्युत धारा, यहाँ पे से कर लीजिएगा ना, से सही लिख लीजिएगा इसको, ठीक। जब किसी सुचालक तार से विद्युत धारा प्रभावित की जाती है, प्रवाहित की जाती है, तो वह गर्म हो जाती है। यही विद्युत धारा का उसमें प्रभाव है। विद्युत धारा के उसमें प्रभाव का पर यहाँ पे जो उपकरण होते हैं, आश्रित उपकरण, विद्युत विद्युत टोस्टर, विद्युत प्रेस्ट इस्त्री है, विद्युत बल आदि, ये सारी चीज़ें होती हैं जो उसमें प्रभाव पे काम करती हैं। जो देखते होंगे आप, प्रेस भी गर्म हो जाती है, टोस्टर भी गर्म हो जाता है, ठीक है। इस छात्र वाले कॉलम में देखिए लिखा गया, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। श्यामपट के लिए यहाँ पे एक ब्लैक पेपर ले लीजिए, चार्ट पेपर, उस पे वाइट स्पार्कल पेन से लिख लीजिए, विद्युत धारा द्वारा उष्मा उत्पन्न होना विद्युत धारा का उसमें प्रभाव है। अब यहाँ पे लिखना वही चीज़ होता है जो यहाँ पे आपने व्याख्या दी है, उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको यहाँ पे लिखना होता है, ठीक। विकासात्मक प्रश्न फिर आता है, कौन सी चीज़ लोहे को आकर्षित करती है? बच्चे बोलेंगे चुंबक। दूसरा प्रश्न है, चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? बच्चे बोलेंगे दो। चुंबक के दो ध्रुवों के नाम बताइए? बच्चे बोलेंगे उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव। चौथा प्रश्न है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे निरुत्तर हो जाएंगे, नहीं बता पाएंगे। फिर आप उसके बारे में बताइए बच्चों को, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। छात्राध्यापक कथन में देखिए बोला गया है, किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रभावित होती है तो चालक तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है, इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत घंटी, विद्युत क्रेन, टेलीफोन, टेलीग्राफ आदि इसी प्रभाव के पर कार्य करते हैं। छात्र वाले कॉलम में सेम चीज़ देखिए लिखा गया, सभी छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। श्यामपट पर देखिए लिखा गया, विद्युत धारा के कारण चालक तार का चुंबक में परिवर्तित होना विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। अगला यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न है, टॉर्च, टीवी, रिमोट आदि को चलाने हेतु किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? बच्चे बोलेंगे सेल का, या फिर बैटरी बोल सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, सेल के प्रतीक में लंबी रेखा किस सिरे को व्यक्त करती है? बच्चे बोलेंगे धन सिरे को। दूसरा अगला प्रश्न है, तीसरा, सेल के प्रतीक में छोटी रेखा किस सिरे को व्यक्त करती है? बच्चे बोलेंगे ऋण सिरे को। चौथा प्रश्न है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या है? निरुत्तर हो जाएंगे फिर से बच्चे। तीसरा यहाँ पर शिक्षण बिंदु है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। यहाँ पर देखिए छात्राध्यापक कथन में बोला गया है, किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं व विलयन के रंग में परिवर्तन हो सकता है। ये विद्युत धारा का यहाँ पर नीचे देखिए रासायनिक प्रभाव है। अब इसका सामने वाले हॉल में सेम चीज़ छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। और श्यामपट वाले में, किसी चालक विलयन को से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया का होना विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाता है। इसके बाद अब आता है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में देखिए पहला प्रश्न है, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित उपकरणों के नाम बताइए? तो बच्चे बोलेंगे विद्युत इस्त्री, विद्युत बल्ब। अगला प्रश्न है, विद्युत ओवन विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है? बच्चे बोलेंगे उसमें प्रभाव पर, आपको पता है गर्म होता है। तीसरा प्रश्न है, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर काम करती है? बच्चे बोलेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। चौथा प्रश्न, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव में इलेक्ट्रोडों पर क्या होता है? तो बच्चे बोलेंगे गैस के बुलबुले बन सकते हैं। पाँचवा प्रश्न है, विद्युत धारा को किस विलयन में से प्रवाहित करने पर रासायनिक प्रभाव होता है? बच्चे बोलेंगे चालक विलयन पे। अब इसके बाद आता है यहाँ पे पुनरावृत्ति एवं मूल्यांकन प्रश्न। देखिए पुनरावृत्ति प्रश्न में यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित उपकरण कौन सा है? उसमें प्रभाव यानी गर्म होगा तो आप सभी को पता है इस्त्री है, टोस्टर भी है, ठीक। अगला प्रश्न है, सेल के प्रतीक में लंबी रेखा डैश 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 सिरे को व्यक्त करती है, लंबी रेखा धनात्मक को व्यक्त करती है। अगला प्रश्न है, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव होते हैं, आप सभी को पता है धनायन और ऋणायन, नॉर्थ साउथ सॉरी चुंबक के दो होते हैं, साउथ और नॉर्थ, यानी कि दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। अगला प्रश्न है, यहाँ पे घरों में कुंजी के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो बच्चे बोलेंगे स्विच का। गृह कार्य आता है लास्ट में, बच्चों को पढ़ाने के बाद गृह कार्य जरूर दीजिए जिससे बच्चे घर पर जाएँ और आपके द्वारा पढ़ाई की चीज़ों को रिविजन कर सकें। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है, प्रश्न दिया गया है, विद्युत धारा के उसमें व चुंबकीय प्रभाव में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये था दोस्तों आज का लेसन प्लान। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का लेसन प्लान अच्छा लगा हो। डिटेल में बताया गया था, तीनों से छड़ बिंदु थे।
तो वीडियो अगर अच्छी लगी, आप लोगों को लाभ मिला उस वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे एक बेल आइकन आएगा, घंटी का निशान आएगा, उसके बाद के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और अगर इस वीडियो की PDF चाहिए आप लोगों को तो रोशन की क्लास टेलीग्राम पर जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।